पुलिस व वन विभाग ने मल्हेणी स्कूल के समीप अवैध रूप से काटे खैर से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी। पुलिस चौकी जोगों के तहत आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी चालक की पहचान नरेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी खोबला नंडराम शहर व गोपाल सिंह पुत्र सरवन कुमार निवासी खोबला नंडराम शहर से हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस व वन विभाग ने मल्हेणी के समीप संयुक्त नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक पिकअप गाड़ी को रूटीन चेकिंग पर रोका, जिसकी तलाशी लेने पर 79 खैर के मोचे बरामद हुए। गाड़ी चालक के पास किसी तरह का परमिट नहीं पाया गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक व परिचालक को पकड़ा और गाड़ी को हिरासत में लिया। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोनी।